रीवा में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की रिपोर्ट नहीं लिखे जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि पनवार थाने में वे रिपोर्ट लिखवाने गए थे, जहां एक सादे कागज में रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद परिजनों ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। जवा के पनवार थाने में रेप पीड़ित महिला की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। बताया जा रहा है कि तीन दबंगों द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसकी शिकायत युवती के परिजनों ने थाने में की, लेकिन थाने में उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई। वहीं घटना के बाद से पीड़िता का परिवार रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए लगातार पुलिस के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत रीवा के आजाद थाने में भी की। परिवार का आरोप है कि घटना के 13 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पा रही है। पीड़ित युवती ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। 17 तारीख का रात में घटना है, तो एक दार 10 बजे के लगभग तीन आदमी द्विवेदी, रिंकू द्विवेदी, फिर संतू रावत, फिर कामता मिश्रा, 5-10 बजे पूछी बेटी तो पापा कहाँ गए, बिटिया बोली नहीं है, कहाँ गए, कहीं लाइना लगा बजे कहीं गए, फिर कहीं के ठीक है लौटी आए, लौटी लौट गई के घरे, फिर दोबारा लौट के आए, दोबारा फिर आए, फिर का करें कि एक जगह संतू रावत मुहदा गई, रिंकू द्विवेदी बलात्कार करें, कामता मिश्रा मुहारे में खड़े रहे, बलात्कार करी गए, रिंकू द्विवेदी बलात्कार करी, मुहदावे रहे संतू रावत, कामता मिश्रा खड़े रहे। घटना सा है, हम रहन नहीं, हम लोग चले गए रहन बहनी के हैं मघरिया, वहाँ से हमें लोगों तक मिला 2 बजे खड़ी संदेश मिला कि बिटिया की तबीयत गड़ वाली, वहाँ से 2 बजे हम उसे चले, यहाँ 4 बजे पहुँचे, उसके बाद जब जाने कि माने ऐसा ऐसा बात ही, तो फिर लाइक जान रिपोर्ट करें, वहाँ दरोगा जी रिपोर्ट लिखी शाम के 7 कागज में, और फिर बिहान भी बुलाए सुबह, कहीं आप लोग सीधे जाओ रीवा वहाँ रिपोर्ट करना। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।